नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि विलास राय कौर। दोस्तों आज मैं इंजन एक बनाने गया था, मतलब पानी नहीं उठा रहा था, तो फिर मैंने जैसे खोला कि फिर देखा मैंने तो क्या था कि जो इम्पेलर था वो पूरी तरह से घिस गया था। और जब इम्पेलर घिसने लगता है तो इंजन जो है बहुत ज़्यादा काला धुआं देने लगता है। और ये होता क्यों है, जो ये शाफ्ट होती है ना, ये शाफ्ट मतलब जब बैरिंग ख़राब हो जाती है, जो शाफ्ट है जब बैरिंग टूट जाती है तो शाफ्ट क्या होती है, आगे आ जाती है। तो जब इम्पेलर घिसने लगता है तो इंजन जो है काला धुआं बहुत ज़्यादा देने लगता है। और समथिंग 3 से 4 लीटर घंटा डीजल इंजन जो है, मतलब इंजन जो है तेल 4 लीटर घंटे उठाने लगता है। तो आप समझ जाना कि जो इम्पेलर है वो घिस रहा है। और वैसे नॉर्मल जो है आपका वैसे ही खाता रहेगा जैसे पहले। अगर एकदम से काला धुआं इंजन जो है देना स्टार्ट कर दे तो आप समझ जाना कि जो इम्पेलर है वो घिसने लग गया। तो दोस्तों मैंने सोचा कि इसको बनवा लेते हैं, तो फिर हम आए हैं बाजार बनवाने। तो इसमें जो इसका प्राइस है वो भी मैं बता दूंगा, तो आप देख लो कैसे ये बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसके चद्दर जो है एक काट के लगा देते हैं उसमें, और उसके बाद उसमें जो है मतलब ये जो खसाने बने होते हैं पानी उठाने वाले, उनको जो है मतलब बराबर कर लेते हैं, जिससे मतलब बिल्डिंग करने में आसानी हो। उसके बाद जो है इसको अच्छे तरीके से सेट करने के बाद इसमें जो है बिल्डिंग कर देते हैं। और आप मार्केट में भी ऐसे बनवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है तो आप परेशान मत होना, मार्केट में जो है आराम से आपको ये बन जाएगा और ज़्यादा खर्च भी नहीं आएगा। खर्च भी मैं आपको बता दूंगा कि इतना आया है हमारा इसमें। और अगर आप इम्पेलर ढूंढने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, मतलब कभी कभी तो मिलता भी नहीं है, तो आप बनवा भी सकते हैं। अगर ये जो क्यारियाँ बनी है ना, अगर ये सही हैं तो आप इम्पेलर बना सकते हैं, और अगर ये घिस गई हैं तो आप मत बनवाइएगा, नया ही डालना, क्योंकि जो ये तवा होता है वो ही ख़राब हो जाता है। बाकी और इम्पेलर की जो क्यारियाँ होती हैं वो सही रहती हैं। तो इसके बाद इसका जो एक में बीच में छल्ला डाल के तवे के ऊपर एक छल्ला गोल गोल सा बना के, जिससे मतलब वहाँ से मतलब एयर ना निकले, तो इसी तरह बना देते हैं। और आप देखना पानी जो है ना बेहतरीन बेस्ट पानी उठाएगा, जैसे पहले उठाता था। पानी तो उठाने में कोई दिक्कत नहीं होती, पानी जैसे पहले उठाता था वैसे ही उठाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हम अगर बनवाएंगे तो पानी कम देगा या ज़्यादा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से इन्होंने बनाया है और बहुत ही बेस्ट है। और ये जो मात्र 250 रुपये हमें लगा है इसको बनवाने में, 250 रुपये का खर्च आया है। और पानी आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन, पहले से ज़्यादा तेज़ देने लग गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।